आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अंतिम ऑनलाइन क्लास है और इसके बाद जो है सिर्फ प्रोफेसर राकेश पांडे सर ऑनलाइन जुड़ेंगे और आप लोगों को ऑफलाइन जाके क्लास करना होगा। आज वह छूट दी गई है कि आप घर से, अगर घर हो या कहीं बाहर हो, तो आप वापस आ जाएं बनारस, क्योंकि फुल जो है कि ऑफलाइन मोड में क्लास चलना है आज से, और ये प्रक्रिया हम कल से शुरू करने वाले हैं। अगर आपसे हमारा बड़ा ही विनम्र जो है कि अनुरोध और गुजारिश है कि आप कल से ऑफलाइन मोड में आए, और कल से कोई लिंक ग्रुप में नहीं जाएगी, सिर्फ प्रोफेसर राकेश पांडे सर ग्रुप में ऑनलाइन जुड़ेंगे और हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोगों ने, ये मेरा 13वां क्लास है, हम टोटल आपको दो पेपर पढ़ाते हैं, बीएसएस 322 और 327 का। आज मेरा 13वां क्लास है और हम लोगों ने बीएसएस 327 का जो कंटेम्परेरी इंडिया का पेपर है, उसमें हम लोगों ने चार टॉपिक अभी तक देखा है। पहला यूनिट का हम लोगों ने ऑपरेशन विरासत देखा है, हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी हैं, हम लोगों ने विभाजन और शरणार्थी समस्या देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने देशी रियासतों का जो एकीकरण का प्रश्न था, जिसमें तीन रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मी जम्मू कश्मीर, इनके एकीकरण और उस दौरान होने वाली समस्याओं के ऊपर बात किया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट जो है वह राष्ट्रीय एकत्रीकरण क्या है, किससे शुरुआत होता है उसका, राष्ट्रीय हाँ समेकन या एकत्रीकरण। राष्ट्रीय समेकन, इसका मतलब है, सर, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए आदित्य, क्या पूछना है। सर पूछ रहे थे कल से ऑफलाइन क्लासेस इसी टाइम पे होगी ना? जी जी साहब, इसी समय पे होगी। तो थैंक यू सर। जो दूसरा यूनिट है, देखिए पहला यूनिट जो है, जब आप कंटेम्प्रेरी इंडिया का सिलेबस आप लोग देखेंगे, हालांकि आप देखते हैं नहीं, अगर आप देखेंगे तो वो टॉपिक वाइज बांटा हुआ है। जैसे पहला जो यूनिट है वो है औपनिवेशिक विरासत में हमको क्या मिला। तो मैंने आपको बताया था कि हमको औपनिवेशिक विरासत के तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें मिली। विरासत जब हमको हमारे, अगर घर के जो सीनियर होते हैं, बुजुर्ग, मतलब बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जब हमको छोड़ के जाते हैं तो विरासत में बहुत कुछ देके जाते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें होती हैं। पहले यूनिट में हमने वैसे ही औपनिवेशिक विरासत की सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को देखा। राष्ट्रीय समेकन जो है, जिसमें राष्ट्र को यूनिट है उसको लेकर के है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस तरह की चीजें की गई हैं जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण हो और राष्ट्र जो है वो एकजुट हो, राष्ट्रीय एकता का विकास हो। आज का जो टॉपिक है वह है संसदीय लोकतंत्र का विकास। भारत में संसदीय लोकतंत्र का विकास क्यों किया गया। गुरु राकेश पांडे सर जुड़े हैं, तो अगर आदेश करें तो मैं फिर शुरू करूं टॉपिक। हाँ, आप व्याख्यान दें, आप व्याख्यान दें, आप जब जी बोलिएगा उसके बाद जी मैं बोलूंगा। ठीक है, जी संसदीय लोकतंत्र संसदीय का जो लोकतंत्र का विकास है, विकास। दो प्रकार की व्यवस्था है विश्व में, दो प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है, एक तो है संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था और दूसरी है अध्यक्षतात्मक टाइप का व्यवस्था। जो अध्यक्षतात्मक का टाइप की व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, जैसे अमेरिका में है, और संसदीय लोकतंत्र में जनता का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, संसद होती है। और भारत ने इसी व्यवस्था को इंग्लैंड से लिया है, संसदीय लोकतंत्र को। भारत ही नहीं, इंग्लैंड ने जिन उपनिवेशों को के ऊपर शासन किया, अधिकतम राष्ट्रों ने इसी अवधारणा को अपनाया है, संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को। और इसके
खासियत ये होती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है, शक्ति के पृथककरण पे काम करता है। शक्ति का पृथककरण क्या होता है, शासन के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, हितकारी न हो या जो सही नहीं हो तो विधायिका क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय के उस फैसले को पलट देती है। इसका उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, आपने सुना होगा साबानो केस, साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबानो को के पति को यह आदेश दिया कि आपको साबानो को गुजारा भत्ता देना होगा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया क्योंकि मुस्लिम मुसलमानों में इस तरह की अवधारणा नहीं है, तो वो तलाक देते हैं, दूसरी शादी करते हैं, कोई गुजारा भत्ता देने की बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया तो मुस्लिम संगठनों ने भारत में पुरजोर तरीके से विरोध किया, ये हमारे धर्म धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। राजीव गांधी सरकार ने विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, विधायिका में ला करके, संसद में ला करके कानून बना करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ऐसे हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका के ऊपर चेक और बैलेंस का काम किया कार्यपालिका ने या विधायिका ने। जैसे मान लीजिए कभी कभी कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय कर देती है, जैसे मान लीजिए 370 मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दिया, या हमारी आरक्षण की बात, जैसे कार्यपालिका ने आपको याद होगा ओबीसी आरक्षण की बात की, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात की बीपी सिंह सरकार ने, तो वो मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय उस कार्यपालिका के निर्णय की जांच किया, समझ रहे बात को, यानी कार्यपालिका भी अगर कोई काम करती है तो न्यायालय उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, और उसको लगेगा कि ये गड़बड़ है तो उसको क्या कर सकता है, पलट सकता है, उसमें सहमति दे भी सकता है और उसको पलट भी सकता है। ऐसा मैंने केशवानंद भारती बयान भारत संघ में भी देखा है, समझ रहे हैं बात को, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर करते हैं। यही नहीं, विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बना दे, विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बना दे, लेकिन हालांकि बना ही नहीं सकती है क्योंकि विधायिका में कार्यपालिका की बहुमत होती है, विधायिका में कार्यपालिका की लगभग लगभग बहुमत होती है तभी वो कार्यपालिका होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, और राष्ट्रपति जो है इस तरह के शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका संसद का भाग होता है और वो जो है मंत्रिमंडल के सलाह से कार्य करता है। भारत के संविधान में एक लाइन लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पे ही कार्य करेगा। ये इसलिए करना पड़ा कि शुरुआत में जब जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को कई मुद्दों पे लेके मतभेद हो गया था, फिर बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने ये उन्होंने क्यों किया, मानिक शाह का नाम सुना है, बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश बना था, सर मानिक शाह का नाम सुना होगा ना, उन्होंने इंदिरा गांधी ने उनको खाने में बुलाया पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी भारत आ रहे थे, उससे भारत की स्थिति बिगड़ रही थी। खाने पे जब बुलाया तो मानिक शाह ने इंदिरा गांधी से मजाक में कहा, कहिए तो मैं आपके आपका तख्ता पलट दूं। मानिक शाह ने ये बात इंदिरा गांधी से मजाक में कही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको गंभीरता से ले लिया और उनको लगा ये हो भी सकता है, इसलिए तीनों सेनाओं का प्रधान किसको बना दिया गया और राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करेगा, यानी सरकार का तख्ता पलटा ही नहीं जा सकता है, बात समझ गया ना। इसकी गुंजाइश पहले थी लेकिन इंदिरा गांधी ने उस मजाक को बहुत गंभीरता से लिया और आपके माइक ऑफ करिए भी, अपेक्षा क्या नाम है, अपेक्षा माइक ऑफ करिए। तो इंदिरा गांधी ने तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करेगा, मंत्री परिषद के सलाह पे काम करेगा, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों में प्रधान उसको प्रधानमंत्री, ठीक। इस तरह की संसदीय लोकतंत्र का विकास किया गया, संसदीय लोकतंत्र के विकास जब किया गया तो इस अवधारणा पे किया गया, तो संसदीय लोकतंत्र का तो सबसे बड़ी शक्ति होगी किसके हाथ में होगी,
जनता के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? जनता, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो है लोगों के लिए कानून बनाएगी, विकास योजनाएं लाएगी, उनका काम करेगी। बात समझ रहे हैं? यानी अंतिम शक्ति, निर्णायक शक्ति किसके हाथ में रहेगी? जनता हाथ में। और जनता को यह शक्ति का प्रयोग एक बार नहीं करना है, हर 5 साल के बाद वही फिर सेम अधिकार, वही अधिकार 5 साल के बाद मिलेगा। और जनता अपने उस अधिकार का प्रयोग करके अगर उसको लगता है कि उसकी चुने हुई सरकार, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि उसके लिए सही विकास योजनाएं नहीं बना रहे हैं, सही तरह से कानून नहीं बना रहे हैं, तो वो उनको गद्दी से हटा सकता है। और संसदीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति किसके हाथ में दी गई? जनता के हाथ में दी गई। और जनता जो है कि वो डायरेक्ट संसदीय लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट रूप से करती है, जो उनके ऊपर शासन करते हैं। ठीक, ये मैंने संसदीय लोकतंत्र के आपको विशेषताएं बताई। और संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान प्रधान मंत्री होता है, और जो मंत्रिपरिषद होती है कार्यपालिका की, उसकी खासियत यह होती है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, उसके लिए चुनाव जितना जरूरी नहीं है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, तुरंत किसी को मंत्री बनाया सकता है, उसको 6 महीने के अंदर जो है किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो इसका भी तो दुरुपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम किसी भी सदन में आए, 6 महीने करें, फिर 6 महीने बाद इस्तीफा देकर फिर एक दिन बाद फिर ज्वाइन करके फिर 6 महीना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इसको भी कहा कि आप इस प्रक्रिया को एक बार के बाद दोबारा नहीं कर सकते हो, आपको चुन के ही आना पड़ेगा, आपको किसी भी कीमत पे चुन के आना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लगा कि कोरोना काल में चुनाव नहीं हो पाएगा, लेकिन सौभाग्य से हो गया चुनाव। और ये जो जो स्थिति बन रही थी वो महाराष्ट्र में, तो उसको वो किया गया। समझ रहे हैं ना? तो इसमें ये भी दिया गया है कि आप मंत्री तो बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन आप जनता के बीच में जाने से नहीं बच सकते हैं, आपको जनता को जाके फेस करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चाहे आप डायरेक्ट रूप से जाकर उसको उनको फेस करिए, चाहे इनडायरेक्ट रूप से फेस करिए, बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। आप मंत्री बन सकते हैं लेकिन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और कितनी बार के लिए? एक बार के लिए, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये कुछ चीजें बताई और मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा कि वो मार्गदर्शन करें। सर आपका माइक ऑफ है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवाज आ रही है? जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि इतिहास में जो भी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के लिए हर समय एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक आधुनिक या मॉडर्न या कंटेम्पोररी माइंड होता है। जैसे आप सभी बच्चे लोग 2022 में भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2022 में आपके मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे जिन प्रश्नों के माध्यम से आप भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में इतिहास के तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाए।
जो इतिहास के तथ्य होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फैक्ट्स कहते हैं, वो रूढ़ होते हैं, वो बदलते नहीं। फैक्ट्स तो वही, ये अपने आप में एक फैक्ट है कि 1951-52 के चुनाव में या 56-57 के चुनाव में या 62-63 के चुनाव में एक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त करके भारत में लोकसभा का निर्माण किए। और फिर उसके बाद जो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सब लगभग 1998 या सन 2000 में पैदा हुए होंगे, और ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है 1947 से लगभग 2000 के पीरियड का ये पेपर है लगभग। इस पूरे कालखंड को समझने के लिए आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होंगे, वो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जैसे कोई कहे कि भाई क्या हुआ 1947 के बाद, भारतवर्ष में 1947 के बाद क्या हुआ, और संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में क्या हुआ। और जब संसदीय लोकतंत्र की बात करेंगे आप, तो आपको यह भी आएगा, प्रश्न आएगा कि आप 2022 के संदर्भ में भी आपके मन में बातें होंगी कि आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपके मन में 2017 के भी चुनाव की चर्चा होगी, आपके मन में 2014 की भी होगी, उसके पहले 2004 की और 2009 की भी चर्चा होगी, और उसके पहले के तमाम जो चुनाव हुए, तमाम जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर, नरसिम्ह राव, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो ये पूरी संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के बारे में कैसे सवाल पूछ करके बातों को समझने की कोशिश किया जाए। संसदीय लोकतंत्र के लिए भारत में, हिंदुस्तान में चुनाव होने से पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने 1952 में, 1950 में जो आपके देश में संविधान की स्थापना की गई, जो संविधान आया 26 जनवरी 1950 को, संविधान जिसके तहत भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, में एक कानून बना, उस कानून का नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 14 क्या कहता है? ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट लोकसभा के निर्माण के संदर्भ में और राज्यसभा के निर्माण के संदर्भ में, विधानसभाओं के, विधान परिषदों के निर्माण के संदर्भ में 1951 का जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ये काम करता है। उसके सेक्शन 14 में कहता है कि फॉर जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट शैल कॉल अपॉन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, इन द जनरल इलेक्शन। देयर इज अ वर्ड जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जनरल इलेक्शन विच इज यूज
जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो इन सभी जनरल इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी या इलेक्शंस की जिम्मेदारी ये पूरी इलेक्शन कमीशन की पास होती है, आर्टिकल 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन एक बहुत पावरफुल संस्था है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो पूरी की पूरी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, या केंद्र सरकार, अगर पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा है तो केंद्र सरकार, वह इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके जो सहयोगी होते हैं, उनके अधीन चला जाता है। तो इस तरह से भारत के संसदीय लोकतंत्र पर जब विचार करेंगे तो जैसा डॉक्टर सत्यपाल जी ने बहुत अच्छा एक कंट्रास्ट बताया कि भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास के बारे में चर्चा करते समय एक और प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा उन्होंने कहा, जिसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात कहा, जैसे अमेरिका में। अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका का जो पूरा का पूरा ताकत है, वो ताकत वहां के राष्ट्रपति के पास होता है। वहां भी द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसके सदस्यों को मेंबर पार्लियामेंट वहां भी कहते हैं, जैसे हमारे यहां कहा जाता है। और लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट है वो जनता से डायरेक्ट चुना जाता है। उसका चुनाव की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, जानते हैं नहीं तो आप पढ़िएगा। परंतु भारत में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट का चुनाव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होता है जो लोकसभा में बहुमत वाले पार्टी का नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, 76 अनुच्छेद में कहता है कि देयर शैल बी ए कैबिनेट हेडेड बाई, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप लोग एग्जैक्ट लैंग्वेज देख लीजिएगा, हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये लिखा, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्सेप्ट ऑल द एडवाइस गिवन बाई द प्राइम मिनिस्टर। इस बार कहने के लिए राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव के राष्ट्रपति को कहा जाता है कि ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और वो प्राइम मिनिस्टर तब तक रहता है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत होता है। वो राज्यसभा में भी अल्पमत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी मिनिस्ट्री नहीं जाएगी। तो इस तरह से भारत में जिसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका का लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये जो भारत में संसदीय लोकतंत्र का जो विकास हुआ, इसके बारे में जब आपको अध्ययन करना होगा तो बहुत से सवाल आपको पूछने पड़ेंगे कि किन सवालों के परिप्रेक्ष्य से आप भारत के संसदीय लोकतंत्र को समझना चाहते हैं। अगर आपके सामने ये पक्ष हो, एक प्रश्न हो कि भारत इतनी विविधता का देश है, क्या इतनी विविधता के देश के लिए भारत में संसदीय लोकतंत्र जरूरी है? कई बार इस प्रकार की चर्चाएं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय एक कमेटी भी बनाई गई थी कि क्या भारतवर्ष को संसदीय लोकतंत्र का रास्ता छोड़कर एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जाया जाए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में आया जाए संसदीय लोकतंत्र को छोड़ करके। लेकिन वो सब तमाम कमेटीज की रिपोर्ट रखी की रखी रह गई, लेकिन भारत अपने इस संसदीय लोकतंत्र को लेकर के आगे बढ़ा। और जब भी आप संसदीय लोकतंत्र के बारे में जब विचार करेंगे तो ये प्रश्न, एक प्रश्न ये उठाएंगे कि भारत के संविधान का या भारत के आजादी का जो लक्ष्य था, भारत के आजादी का लड़ाई का लक्ष्य क्या था कि भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना करनी है। भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना करने में भारत का संसदीय लोकतंत्र कितना सफल है? अगर आप जब मूल्यांकन करेंगे इसका कि भारत का संसदीय लोकतंत्र कितना सफल है, तो इस पर आपको
ये सवाल पूछना पड़ेगा कि भारत के जो लोग हैं, ये भारत के लोग में कौन ऐसे लोग हैं जो राजनीति के शिखर पर हैं, और वो लोग कौन हैं जो राजनीति में या सत्ता में वो शिखर पर न होकर के पिछड़े हैं या मार्जिन पर बैठे हुए हैं। क्या भारत का संसदीय लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि जो समाज के मार्जिन पर, जो अंत में, जो अंत्योदय, जिसके लिए शब्दों का प्रयोग किया गांधी जी ने भी और जयप्रकाश नारायण ने भी अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया, जो अंत में है उसका उदय हो रहा है? क्या भारतवर्ष का संसदीय लोकतंत्र अंत्योदय कर रहा है? इस सवाल का उत्तर देने में आप भारत के संसदीय लोकतंत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या भारत का संसदीय लोकतंत्र प्रांतों में और केंद्र में ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि उस वर्ग और उस समाज के लोग भी, क्या राज्य पर उनका भी अधिकार हो रहा है, या राज्य पर अधिकार उन्हीं लोगों का हो रहा है जो परंपरा से भारत में श्रेष्ठ स्थान पर थे, संपत्ति को लेकर के, समाज में प्रेस्टीज के आधार पर जो लोग प्रथम स्थान में थे प्राचीन काल से लेकर के, वही लोग क्या शासन सत्ता में, उन्हीं का क्या एकाधिकार है? ये सवाल पूछ करके भारत के संसदीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और आज जब हम 2022 तक चले जाते हैं, या 2022 तक न भी जाइए, आप सन 2000 तक आएंगे, और पूरे भारत में जब आप मूल्यांकन करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में, एक खास किस्म का सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, इस लोकतंत्र ने, एक जो संसदीय लोकतंत्र है, इसने कहां तक भूमिका अदा किया, जब आप इस परिप्रेक्ष्य से प्रश्न करेंगे तो इसमें आपको एक पुस्तक के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। वो है क्रिस्टोफर जेफ्रो लॉट की पुस्तक। क्रिस्टोफर जेफ्रो लॉट, जिन्होंने भारत के संसदीय लोकतंत्र और भारत में आजादी के बाद जो भी घटनाएं घटी, उन सब के बारे में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो शब्द का प्रयोग किया साइलेंट रिवोल्यूशन। भारत में संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से एक साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ। एक होता है हल्ला गुल्ला करके हिंसा के माध्यम से रिवोल्यूशन होता है, एक साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ। जेफ्रो लॉट ने बहुत बारीकी से एक एक राज्य का अध्ययन किया, एक एक वर्ग और एक एक जाति का अध्ययन किया, केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक, हर राज्य का अध्ययन करके उन्होंने दिखाया कि किस तरह से भारत में बैलेट बॉक्स के माध्यम से, वोट के माध्यम से, किस तरह से एक खास किस्म की क्रांति उत्पन्न हुई, जिस क्रांति को उन्होंने कहा साइलेंट रिवोल्यूशन। कहा कि भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र के मुखिया हुए जो उस वर्ग से आए जो हजारों हजार वर्ष से भारत में एकदम अंत में उनका समाज खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, जिनके पास न संपत्ति थी, न जिनके पास शिक्षा का धन था, न शिक्षा, न धन, संपत्ति, और समाज के सोपान में जिनकी सबसे नीचे स्थिति थी, ऐसे लोग भी भारतीय संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। न केवल राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं बल्कि प्रांतों में उस वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही साथ उस वर्ग के लोगों का बहुत सब्सटेंशियल, बहुत मौलिक परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन यह जरूर परिवर्तन होता है कि उस वर्ग के लोगों को यह कहने का मौका मिलता है कि भाई हमारी बहन या हमारा भाई आज मुख्यमंत्री है। जहां हम किसी घर पर जाते थे तो उनके सम्मान के साथ बैठ नहीं पाते थे, आज हमें यह स्थिति है कि हमारे परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री है, हमारे परिवार का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री है, हमारे परिवार का व्यक्ति बहुत से इसी संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ही, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत ही जो नागरिक सेवाओं की जो अवधारणा आई, नागरिक सेवाओं के माध्यम से भी बहुत से वर्ग के लोग भारतवर्ष में स्थान प्राप्त करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र ने किस तरह से भारत के समाज में किस तरह से परिवर्तन का व्हीकल बना।
संसदीय लोकतंत्र भारत ने परिवर्तन का यंत्र बना, और यंत्र बना तो उसके आधार पर आपको इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जब इस आधार पर आप मूल्यांकन करते हैं तो प्रारंभिक वर्ष में देखते हैं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में वही लोग मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के तमाम पदों पर, प्रधानमंत्री के पदों पर, भारत का एक खास वर्ग जिसे आप कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग के लोग प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी में एक ऐसा परिवर्तन होता है लोकतंत्र का, लोक संसदीय लोकतंत्रात्मक परिवर्तन होता है कि तमाम जो निचले वर्ग के लोग हैं वे लोग समाज में एक खास किस्म की जिसे अपर मोबिलिटी कहते हैं, अपर मोबिलिटी प्राप्त होती है। और ये जो अपर मोबिलिटी है ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र की तारीफ की जाएगी। और इसी के साथ भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो केंद्र और राज्य के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं, जो पहले के क्लास में आपने पढ़ा, जो अनुसूचियों की चर्चा की गई है कि किस तरह से जो संविधान में केंद्रीय सूची है और प्रांतों की सूची है, और कैसे अनुवर्ती जो समवर्ती सूची है, उन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के संबंधों को किस तरह से ऐसे बनाया गया कि राज्य बहुत अधिक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का प्रयोग करके राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में विकास की तमाम बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से भारत के संसदीय लोकतंत्र को ध्यान में रख करके जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से किस तरह से आज की तारीख में या सन 2000 तक आप आएंगे तो कैसे राजीव गांधी के समय में, नरसिंह राव के समय में किस तरह से संवैधानिक संशोधन होते हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और ये होता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतवर्ष के गांव में या उनके शहरों में जो लागू की जाएंगी वो जब मन होगा तब उसे भंग नहीं कर सकते आप। उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई और कहा गया कि ये तो भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो केंद्र से लेकर के गांव तक एक आप कह सकते हैं कि भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं का या लोकतांत्रिक सरकारों का एक बहुत बड़ा समूह है, पूरा भारत। जिस पूरे भारत में अगर हर एक गांव को एक सरकार के रूप में देखें आप, और भारत में अगर मान लीजिए 5 लाख गांव हो तो सब मिलाकर के आप कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 5 लाख से अधिक सरकारें हैं। वो सभी सरकारें लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हैं, और ये लोकतांत्रिक सिद्धांत जो भारत में संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से लागू होता है ये भारत के जनता को पार्टिसिपेट कराता है गवर्नेंस में। भारत के गवर्नेंस में, भारत के शासन व्यवस्था में, पूरे के पूरे गवर्नेंस में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत की आजादी के लड़ाई के एक खास किस्म के प्रकृति ने एक ऐसे प्रकार के वातावरण को जन्म दिया जिस वातावरण में भारत ने एक मैच्योर लोकतंत्र की तरफ भारत बढ़ता है। इस अर्थ में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा गया। और भारत के जैसे कोई ब्लड में, जैसे कोई जेनेटिक्स में, जैसे उसकी कोई परंपरा में यह एक तरह से आ जाए, ये परंपरा में आपका संसदीय लोकतंत्र एक परंपरा में है। और इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य में आपको ये बात भी बहुत आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या, बताइए कि संसदीय लोकतंत्र में क्या सांप्रदायिकता को भी महत्व दिया जा रहा है, क्या भारत में संकीर्ण राष्ट्रवाद भी संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करता है। ये सब सवाल पूछ करके आप भारत के संसदीय लोकतंत्र को के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं कि भारत का संसदीय लोकतंत्र क्या कुछ ऐसा है कि यहाँ इमरजेंसी भी लागू हो जाती है, जैसा कि आपको पता है कि 1975 में किस तरह से आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में आपातकाल की स्थिति की व्यवस्था करते हैं, और किस तरह से इंदिरा गांधी भारत में एक इमरजेंसी लागू करती है अपने खुद के शासन को बचाने के लिए।
जिनका कि उनका इलेक्शन टर्न डाउन कर दिया जाता है। 12 जून 1975 को उनका चुनाव निरस्त हो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। राज नारायण जो यही बनारस के रहते हैं, जो उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और इंदिरा गांधी उनको हरा देती हैं, लेकिन परिणाम ये होता है कि इंदिरा गांधी उसमें इस्तीफा देने के बजाय, क्योंकि वो 1971 के चुनाव में बहुत बड़ा वोट पाई थी, बड़ा उनको अहंकार था कि बांग्लादेश का निर्माण किया है उन्होंने, उस पूरे परिप्रेक्ष्य से भारत को एक तानाशाही की तरफ ले जाने का प्रयास किया उन्होंने। 18 महीने की इमरजेंसी लगाई, उस पीरियड के बारे में भी आपको पढ़ना है, और उसके बारे में जब गंभीरता से आप पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि इंदिरा गांधी के तमाम दोस्तों ने जो बाहर थे उन्होंने उसको चिट्ठी लिखा कि तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम भारत में इमरजेंसी लगाओगी। और वो उन सब पत्रों को पढ़ करके, बहुत से कारण हो सकते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं कि वो अपने द्वारा प्रतिबंधित अखबारों को पढ़ करके, यानी कि नहीं भी हम पॉपुलर हैं, 20 सूत्री प्रोग्राम उसने लागू किया और उसके आधार पर उसने कहा ये हम पॉपुलर हैं तो चलो चुनाव कर देते हैं। और मार्च जो 77 में चुनाव होता है वो चुनाव हारती है, लेकिन चुनाव हारने में भी इतना कम सीट नहीं पाती है, 170 सीट पाती है। जनता पार्टी उसमें एक नई पार्टी होती जो कई पार्टियों को मिलकर के बनती है और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार आती है सत्ता में, जिसके मुखिया मुरारजी देसाई होते हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े सदस्य होते हैं। और किस तरह से, वो आपको पढ़ने का विषय है, संसदीय लोकतंत्र जब पढ़ेंगे तो वो बहुत बहुत जरूरी है पढ़ना, 77 से 80 के बीच का भारत का इतिहास, कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह जो उस जनता पार्टी में थे उनको लगता था कि मेरे पार्टी के लोग अधिक हैं और मुरारजी के समर्थक कम हैं, मुरारजी प्रधानमंत्री हो गए तो मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए था। और ये बड़ी ऐसे सुनने में कहानी बड़ी विचित्र, इंटरेस्टिंग भी कह सकता है कोई, कि किस तरह से वही उनके जो सहयोगी राज नारायण थे, वो संजय गांधी जो इंदिरा गांधी का लड़का था उसके यहाँ गए और कह रहे भांजे मेरे बहन के लड़के तो मेरी मदद कर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में, तू अपना समर्थन दे दे मुझे। और उस समय ये संजय गांधी ने कहा, लिख करके राष्ट्रपति को दिया, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनको दिया कि नहीं कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट कर रही है और जनता पार्टी टूट जाती है। चौधरी चरण सिंह का जो भी संख्या रहती है उसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनको सपोर्ट करते हैं और चौधरी चरण सिंह शपथ ग्रहण करके प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यह भारत का संसदीय लोकतंत्र किस तरह का स्वरूप दिखा रहा है, इस पर आप खुद मूल्यांकन करके अपने जजमेंट दीजिएगा आप विद्यार्थी लोग, लेकिन मैं आपके सामने यह रख रहा हूं कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका जो वक्तव्य आता है, बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य आता है, वो कहते हैं कि मेरे जीवन की मुराद पूरी हो गई, आज मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया, मैं बंबई से दक्षिण कभी गया नहीं हूं लेकिन आज बड़ी मेरी मुराद पूरी हुई। और उनको पार्लियामेंट फेस करना था, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया शपथ ग्रहण के बाद तो असली प्रधानमंत्री उसे तभी माना जाएगा जब लोकसभा में, जिसे कहते हैं फ्लोर, लोकसभा के फर्श पर यह तय किया जाएगा कि ये मेजॉरिटी में है कि नहीं है। परंतु चौधरी चरण सिंह साहब लोकसभा में वहां पर फेस नहीं किए, उसके पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं अब चुनाव कराए जाएंगे। और उसके बाद चुनाव होते हैं 79 दिसंबर / 80 जनवरी में चुनाव होता है और फिर इंदिरा गांधी लगभग 2/3 बहुमत से पावर में आ जाती है। और वो पावर में आकर के हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र किस तरह का स्वरूप ग्रहण करता है इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी पावर में आती है उसके सामने जो चुनौतियां होती हैं, वो सब चुनौतियां भी आपको संसदीय लोकतंत्र के ही परिप्रेक्ष्य से देखना पड़ेगा कि भारत के इतिहास में 1947 से लेकर के 1980 के बीच को अगर आप एक डिवीजन के रूप में देखें तो आप कह सकते हैं कि किस तरह से एक एक कई डिविजन्स होकर के आप पढ़ सकते हैं भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास को। एक तो 1947 से 1991 का डिवीजन देख सकते हैं कि कैसे 91 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आता है, लेकिन 1980 को भी एक बड़ी भारी विभाजक रेखा के रूप में
भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में देख सकते हैं, जब इंदिरा गांधी पावर में आती है 3 साल से पावर लेस होने के बाद, और पावर में आकर के इंदिरा गांधी किस तरह की चुनौतियां का सामना करती है। उन चुनौतियों में भारत के संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, जिस चुनौती के बारे में अलग से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में वो चुनौती होती है, उसको कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देश के सामने में, राजनीति की एक नया ग्रामर, जैसे कोई भाषा का ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, वैसे राजनीति का एक नया व्याकरण उपस्थित करते हैं। जहां पर 1947 से लेकर के 1980 के बीच में राजनीति के ग्रामर में महात्मा गांधी एक बड़े डोमिनेंट ग्रामर है, महात्मा गांधी, उनका संदर्भ, उनके वक्तव्य, उनका विमर्श, उनकी परिचर्चा एक बहुत बड़ा जो है व्यक्तित्व है, और उनकी हत्या करने वाले लोग और उनकी हत्या करने वाले लोगों का जो विमर्श है, उनका विमर्श बहुत ही बैकग्राउंड में चला जाता है। उनकी हत्या करने के सीधे जिम्मेदार नहीं, लेकिन प्रकारांतर से लोगों ने आरएसएस को जिम्मेदार बताया, भारतीय जनसंघ पार्टी जो 50 के दशक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये आपके उपाध्याय, ये सब लोग उसके नेता थे, समित सरकारें राज्यों में बनाए, कई जगहों पर मिनिस्ट्री बनी, इस पार्टी के लोग 77 में जनता पार्टी में मर्ज किए, लेकिन दोहरी सदस्यता, अब आप लोग पूछेंगे सब दोहरी सदस्यता क्या है, उसमें 77 में यह बात उठाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी भारतीय ने, जिसके अध्यक्ष बढ़िया के चंद्रशेखर थे जो तो प्रधानमंत्री हुए बाद में, उन्होंने कहा कि आप जनता पार्टी के सदस्य हैं तो आरएसएस के सदस्य क्यों हैं। इन सब बातों को करके वो लोग इतने विरोधाभास से वो खड़ी थी पार्टी जनता पार्टी कि कई इतिहासकारों ने कहा कि अपने अपने विरोधाभास के बोझ से भरभरा कर वो पार्टी कई टुकड़ों में टूट गई, और उसके परिप्रेक्ष्य से जो एक नई पार्टी जो आज 2022 में पावरफुल पार्टी है, उसी के गर्व से वहां से निकलती है। उस गर्व से निकलने में उस पार्टी का नाम 1980 के दिसंबर महीने में बंबई में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका निर्माण अप्रैल महीने में हो जाता है 1980 के, भारतीय जनता पार्टी जिसे कहते हैं, जिसका चिन्ह आप लोग जानते हैं और जिसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी, बंबई में वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और बंबई में वो एक नई आइडियोलॉजी लेकर खड़े होते हैं। वो आइडियोलॉजी होती है कि हम गांधीवादी समाजवाद को लेकर के आए हैं ना वो। अब ऐसा कहने पर बहुत से लोग कहेंगे नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, गांधीवादी समाजवाद, जिन लोगों पर ये आरोप था कि गांधीवाद के विरुद्ध इन लोगों में से ही विचारधारा से मिलते जुलते लोगों ने गांधी जी को अंत शारीरिक अंत किया, उस पार्टी के लोगों ने गांधीवादी समाजवाद के नाम से 80 में वो पार्टी आई, जिसको उसी पार्टी के एक नेता ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, जिन्होंने कहा कि नहीं अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पार्टी के मुखौटा है, ये मुखौटा है ये, और उसको मुखौटा कहने के कारण वो राजनीति के एक तरह से बियाबान में चले गए। इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे सन 80 के बाद से एक नया फेज शुरू होता है भारतीय राजनीति का, और वो फेज शुरू होता है उसको कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन, भगवान राम का मंदिर वहां स्थापित किया जाए। ये भारत के संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत गंभीर चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं इसको। तो बहरहाल अभी इस संसदीय लोकतंत्र की ओर, जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल जी ने आज का टॉपिक रखा था, इस पर कल भी लेक्चर हो सकता है, और तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि समय हो गया है, 1:59 हो गया है। तो जो भी प्रश्न पूछना हो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।
अभी प्रश्न पूछने का सत्यपाल जी क्या कोई प्रश्न पूछ सकते हैं ये लोग या कल के क्लास में रखा जाए? कल के क्लास में सत्यपाल जी कोई बच्चा सुन रहा है हमें? मेरी आवाज आ रही है? हाँ दो बजने वाला है तो समय हो गया, तो आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना होगा कल प्रारंभ में ही, क्लास प्रारंभ होने के पहले ही पहले आप लोग प्रश्न पूछिएगा। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना और नियोजन। हाँ तो ठीक बात है, तो चलिए इसको मान लिया जाए कि हम लोग संसदीय लोकतंत्र पर बातचीत कर ली, अगर ऐसा है तो ठीक है। जी अच्छा, तो ठीक बात है, तो अभी ठीक बात है, तो हम अब यहीं पर ऑफ होते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और सत्यपाल जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा क्लास आपने आयोजित करा है। तो जैसा होगा बच्चों, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।